नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शिकारपुर के जंगलों में हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सूरज छिपते ही इंद्रपाल ताऊ गैंग के सक्रिय सदस्य राजेश सहारिया व मोनू बड़ौदा और बुलंदशहर स्वाद टीम के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुए दो लुटेरे राजेश और मोनू जनपद में बाइक सवार राहगीरों से लगातार दोनों बदमाश अपने साथियों के साथ कर रहे थे लूट की वारदातें। खुर्जा में भी लुटेरों ने बाइक सवार महिला से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। लुटेरों के कब्जे से लूट का सामान, एक बाइक, दो तमंचे और कारतूस व खोखे बरामद। लुटेरे राजेश प्रदर्शन धाराओं में 15 मुकदमे। मोनू के आपराधिक इतिहास का पता लगाने में जुटी है पुलिस। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद शिकारपुर रोड पर मानपुर के जंगलों में हुई बदमाशों और स्वाट टीम के बीच मुठभेड़। बुलंदशहर से जुर्गाम हैदर की रिपोर्ट। थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी और शिकारपुर से जहांगीराबाद रोड पर काले रंग की मोटरसाइकिल से आते हुए दो संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस को द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वे रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें से दोनों घायल हुए और उनको गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई और तलाशी ली गई तो पता चला कि उनके पास से दो तमंचे 315 बोर के, दो जिंदा कारतूस और चार खोखे मिले, सोने के गहने और 24,500 रुपये भी उनके पास से मिले। उन्होंने शिकारपुर और उसके अलावा भी अन्य कई घटनाओं को कबूल किया है।